रीवा में मर्डर के आरोपी से हत्या का प्रयास, पुराने रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, कंधा गर्दन और हाथ में धंसा गंभीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हाल ही में घटित घातक हमले की घटना ने लोगों को अलर्ट में डाल दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी द्वारा पीड़ित युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है और जानकारी के अनुसार इसकी जांच जारी है। घटना के संघर्ष की घड़ी का आगाज समान तिराहे से रतहरा के पास स्थित लैंडमार्क होटल के पास हुआ था। इस दिन के शाम को युवक अंकित वर्मा, जो केवल 18 वर्ष के थे, अपनी बाइक से आरटीओ रतहरा विजन ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वह बाणसागर नहर के पास पहुंचे, वहां दो मोटरसाइकिलों पर सवार दो आरोपी उपस्थित थे। अचानक उन आरोपियों ने पीड़ित की बाइक को घेर लिया और उसे रोक दिया। अंकित ने आरोपियों से कारण पूछा, लेकिन उन्होंने किसी बात की व्याख्या नहीं की और बिना किसी पहले चेतावनी के वे ताबड़तोड़ तरीके से चाकुओं का इस्तेमाल करने लगे। आरोपी पर अंकित वर्मा पर किए गए हमले में वहां बीमार हालत में पहुंच गए। उन्हें 6 प्रहारों में 3 चाकू लगे, जिनमें पहला चाकू कंधे में लगा, दूसरा चाकू गर्दन में धारण किया हुआ और तीसरा चाकू हाथ में फंस गया। प्रहारों के बाद पीड़ित की अवस्था बेहद गंभीर हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद वे युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और युवक खतरे से बाहर है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक विजय सिंह परिहार ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपियों की खोज कार्रवाई जारी है। आरोपी द्वारा किए गए घातक हमले के बाद वे फरार हो गए हैं और पुलिस इनके पीछे है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। कुछ दिन पहले केंद्रीय जेल से आया हुआ आरोपी, जांच से पता चला कि मुख्य आरोपी ने कुछ दिन पहले केंद्रीय जेल से अपने सजाया जाने के बाद बाहर आया था। उसे पिछले 4 महीनों में हुई एक हत्या का आरोप था और अब उसे दूसरे घातक हमले का आरोप लगाया गया है। पुलिस इसके पीछे के पीड़ित के संबंध और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। रीवा में बदलती पुलिसिया व्यवस्था, इस घटना के बाद रीवा में पुलिसिया व्यवस्था में बदलती धारा दिख रही है। लोग घर से निकलने में डर रहे हैं और सुरक्षा के मामले में जागरूकता बढ़ रही है। पुलिस अब इस मामले को सीधे और तेजी से सुलझाने के प्रयास में लगी हुई है ताकि ऐसे घातक हमलों को रोका जा सके और समाज में सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। सामाजिक सुरक्षा की मांग, इस घटना ने सामाजिक सुरक्षा की मांग को और भी जोर दिया है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा सतर्क और सजग हो रहे हैं और उन्हें स्थानीय प्राधिकृतियों से और भी अधिक सुरक्षा उपायों की मांग है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने लोगों को अलर्ट में डाल दिया है और सुरक्षा के प्रति उनकी जागरूकता को बढ़ावा दिया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी को पकड़ने के प्रयास में लगी हुई है ताकि ऐसे घातक हमलों को रोका जा सके और समाज में सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। इस मामले के विकल्पों की जांच जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और न्याय हासिल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।